तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ और सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। फिल्म को द आउटलॉस का रीमेक बोला जा रहा था, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये वांटेड फिल्म का पार्ट टू है। फिल्म को ज्यादातर लोगों ने खराब रिव्यू दिए हैं, लेकिन क्या ये फिल्म सच में इतनी खराब है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की और मेन किरदारों के बारे में। फिल्म की शुरुआत रणदीप हुड्डा की एंट्री से होती है, जो मुंबई पर राज करने और ड्रग्स का कारोबार फैलाने दिल्ली से मुंबई आया हुआ है। रणदीप हुड्डा का किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो किसी को मारने से पहले सोचता तक नहीं है, और ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए सलमान खान उर्फ राधे को बुलाया जाता है। सलमान खान के किरदार को देख के आपको वांटेड फिल्म की याद आने लग जाएगी, क्योंकि राधे कम बोलता है और मारता ज्यादा है। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, डायलॉग ऐसे हैं कि आपका ध्यान फिल्म से हटने नहीं देंगे, और साथ ही सलमान खान की और जैकी श्रॉफ की केमिस्ट्री ऐसी है कि आपको हंसने में मजबूर कर देगी। और सबसे बड़ी बात, यह सलमान खान की फिल्म है, इसलिए आप इसे घर पर आराम से फैमिली के साथ देख सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो फिल्म को खराब रिव्यू दे रहे हैं। या तो तुम लोगों को फिल्म देखनी नहीं आती, या तो तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है। तुम अपने पापा के उर्फ कमाल आर खान की पट्टी पढ़ के बैठे हुए हो। जैसा तुम्हारा पापा कमाल आर खान वीडियो बनाएगा, वैसी वीडियो तुम भी बनाते हो। तुम्हारी इन घटिया हरकतों के चक्कर में कितने लोगों को नुकसान होता है तुम्हें पता भी नहीं होगा। खैर, पता कैसे होगा, तुम्हारे पास खुद का दिमाग जो नहीं है। ये एक एक्शन कट टू कट फिल्म है, जिसे समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, वो तुम्हारे पास है नहीं। सलमान खान वो एक्टर है जिसकी फिल्में आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो फिल्म को जरूर देखना। फिल्म एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर है, जो आपको निराश नहीं होने देगी। अगर बात करें फिल्म में मुझे कुछ बुरा लगा या नहीं लगा, तो हाँ ऐसा लगा, मुझे थोड़ा बहुत कमियां लगी है फिल्म में, पर उसकी वजह से ये नहीं कहूंगा कि फिल्म बुरी है। और क्या बुरा लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म में एक सीन है जिसमें सलमान खान बिना शर्ट के खड़ा है। वो सीन अगर नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी फिल्म के अंदर, क्योंकि वहां पर सलमान खान की बॉडी को VFX से चिपकाया है, वो बहुत गंदा लग रहा है देखने में। और दूसरा, दिशा पाटनी फिल्म में है, वो चीज भी बेकार लगी, क्योंकि दिशा पाटनी अगर नहीं भी होती तो भी फिल्म चलती। और ये चीजें मुझे बुरी लगी है, इसलिए मैंने आपको बता दी है। अब आप ऐसा मत करना कि आप सलमान खान की तारीफ ही करते रहते हो, जो चीज कमी है वो मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल फिल्म बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सलमान खान के फैन हो तो जरूर कमेंट करना वीडियो के नीचे, और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।